डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव होने लगा है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज सुबह कुछ घंटों की बारिश हुई। हालांकि मॉनसून आज यानी कि शनिवार रात तक बिहार में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने पहले ही तय समय से दो दिन पहले मॉनसून के बिहार पहुंचने की चेतावनी दी थी और फिलहाल मौसम विभाग का ये अनुमान है कि पूर्णिया, बांका और कटिहार होते हुए बिहार के मध्य की तरफ ये मॉनसून बढ़ेगा और इस दौरान 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज राजधानी पटना में भी बारिश हुई और तस्वीरें आप देखिए कि जो गर्मी है उससे फिलहाल लोगों को यहां पर निजात मिली है। कुछ घंटों की बारिश, शुक्रवार से ही मौसम बदल रहा था और शनिवार सुबह ये बारिश हुई। हालांकि ये मॉनसून की बारिश नहीं है, मॉनसून की बारिश शनिवार रात बिहार में हो सकती है। बिहार के कई जिलों में बीते दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने पटना, वैशाली और सारण, भोजपुर, रोहतास, खगड़िया, बेगूसराय में विशेष अलर्ट जारी किया है। तीन दिनों पहले भी मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था और अब मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले तीन दिनों तक पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मॉनसून इस बार समय से दो दिन पहले बिहार पहुंचने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।